Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about ISRO, an Indian Space Research Organization के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले जय हिंद, वंदे मातरम, जय ISRO। यानी जब भी ISRO की बात आती है तो प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर एक मुस्कान, अलग ही मुस्कान होती है और प्राउड होता है, गर्वान्वित होते हैं। तो आज बात करते हैं कि ISRO का अगला मिशन क्या होने वाला है। आज तक न्यूज में आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 सूर्ययान के बाद, सूर्ययान आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के बाद अब ISRO का अगला कदम क्या होने वाला है। तो ISRO का अगला कदम होने वाला है कि वो मानवों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। क्या सर? इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है सर ISRO? अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कदम होने वाला है। अभी तक ISRO ने सिर्फ इंसानों को नहीं, मशीनों को भेजा है सर। हमने देखा था चंद्रयान जो 3 था उसमें भी मशीन भेजी गई थी, और ये जो सूर्ययान है आदित्य L1 इसमें भी मशीन को भेजा गया था। अभी तक भारत ने, यानी ISRO ने, किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। तो ये जो गगनयान मिशन है सर, इसमें क्या मानवों को भेज दिया जाएगा? अगर मानवों को भेजा जाएगा तो क्या खतरा नहीं होगा? तो वही आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो ISRO भेजने वाला है, सबसे पहला अनमेंड मिशन, कि सबसे पहले अनमेंड का मतलब है किसी इंसान को नहीं भेजा जाएगा, उसमें एक प्लास्टिक का इंसान बनाया जाएगा जिसका नाम है वायु मित्रा। एक फीमेल लेडी बनाई गई है ISRO के द्वारा, एक महिला विकसित की गई है जो कि प्लास्टिक वगैरह की या धातुओं की बनी हुई है, और उसका नाम क्या है? वायु मित्रा। वायु मित्रा, अब ये देखने में तो सेम ऐसी ही लगती है जैसे कोई लेडीज होती है, लड़की होती है, लेकिन ये रियलिटी में है किसकी? प्लास्टिक की है। तो ये जो अनमेंड मिशन है, ये अक्टूबर के आसपास भेजा जाएगा, या तो अक्टूबर में या नवंबर में इसको उड़ा दिया जाएगा ISRO के द्वारा। सबसे पहला अनमेंड मिशन गगनयान का, गगनयान बोले तो गगन में जाने वाला मिशन, ये किसी ग्रह पर नहीं बल्कि ये स्काई यानी गगन यानी अंतरिक्ष में जा रहा है, अंतरिक्ष। दूसरा मिशन होगा, उसमें भी ऐसे ही प्लास्टिक के रोबोट को भेजा जाएगा, यानी वायुमित्र 2 भेज सकते हैं, कहने का मतलब है। फिर जो तीसरा मिशन होगा वो सन 2024 या 25 में होगा, उसमें मानवों को भेजा जाएगा। मानव कौन से? ये एयरफोर्स के पायलट या एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट बोले तो सर साइंटिस्ट, जो अंतरिक्ष की खोज करते हैं साइंटिस्ट, उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट। तो भारत के जो अंतरिक्षी वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष की खोज करते हैं, उसमें 3 वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड होंगे, यानी 3 मानवों को भेजा जाएगा। तो वही आज डिस्कस करने वाले हैं। सर इसका मतलब जो है गगनयान, तो गगन का मतलब होता है सर स्काई। गगन जब भी बात करते हैं आसमान का पर्यायवाची होता है, यानी अंतरिक्ष। गगन की बात करें तो सर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की बात हो रही है। तो अंतरिक्ष जहां भी होता है सर, वहां ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सर ग्रेविटी की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि वो अपनी तरफ खींचना बंद कर देती है। जो वस्तु जहां उड़ रही है वहीं उड़ती रहती है। ऐसा नहीं है जैसे हम खड़े हो पा रहे हैं, वहां खड़े नहीं हो पाते, वहां अगर तैर रहे हैं तो तैरते ही रहेंगे, रुक नहीं पाएंगे, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। बिल्कुल सही बात सर। वहां ऑक्सीजन भी नहीं होती, हमने तो सुना है, बिल्कुल नहीं होती है। तो सर ऐसा कदम उठाने वाला है ISRO, क्या हमारे जो मानव जाएंगे उनकी जान को खतरा नहीं होगा? तो वही आज हम डिस्कस करने, ये जो पृथ्वी है, चाहे इससे इधर जाओ 400 किलोमीटर, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ सर, स्पेस है। यानी जो ये आपका ये इस तरीके का मॉड्यूल है, मॉड्यूल बोले तो सर मिशन, इसमें कितने यात्री बैठेंगे? 1, 2 और 3, यानी 3 यात्री बैठ गए सर, 3। तो ये क्या काम करेंगे? ये देखेंगे कि स्पेस में क्या क्या है, ये कैमरा वगैरह लेके जाएंगे, फोटो वगैरह खींच के लाएंगे। और सर ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, इनका जो ये मिशन है, ये हेलीकॉप्टर सा है, ये चारों तरफ घूमेगा पृथ्वी के चारों तरफ, और देखेगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है और वहां क्या क्या उपस्थित है। तो इसका मतलब ये है स्पेस के लिए। तो सर इससे पहले भी क्या इंसान अंतरिक्ष में गया है? हाँ बिल्कुल गया है, और मैं बोलू हमेशा हमेशा 7 इंसान अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं, 6 या 7, 6 हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं। उनको बोला जाता है क्या? एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट। वो किस देश के होते हैं सर? एक स्पेस स्टेशन है ISS, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये विकसित किया गया था 20 नवंबर 1998 को, किन किन देशों के द्वारा? सर पहला US यानी अमेरिका, रसिया, कनाडा, जापान और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
सर अमेरिका की नासा होगी कंफर्म, नासा और रसिया वालों की रोस कॉस्मॉस, रोस कॉस्मॉस होगी ये स्पेस एजेंसी। जैसे भारत की है स्पेस एजेंसी इसरो, वैसे ही अमेरिका की नासा है, रसिया की रोस कॉस्मॉस है, और कनाडा की CSA है यानी कनाडियन स्पेस एजेंसी, और जापान की जैक्सा है, जापान की जैक्सा है, और यूरोपियन जो यूरोपियन देश हैं ब्रिटेन वगैरह जो अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था वही देश उनकी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, यानी यूरोप वालों की, यानी इन्होंने एक यूनाइटेड एजेंसी बनाई, यानी सभी देशों ने मिलकर एक ही एजेंसी बना रखी है जिसको बोला जाता है ESA। तो इन लोगों ने एक इस तरीके का विमान उड़ाया था 20 नवंबर 1998 को, और वो आज भी अंतरिक्ष में तैरता रहता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी लियो में, पृथ्वी से 180 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 2000 किलोमीटर तक उड़ता रहता है। तो ये कितनी हाइट पर उड़ता है, 400 किलोमीटर, यानी जा सकता है, 180 किलोमीटर से नीचे नहीं जाएगा और 2000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगा, इसके बीच में ही तैरेगा। तो ये कितनी हाइट पर उड़ता रहता है, हमेशा 400 किलोमीटर की हाइट पर, और इसके अंदर 7 मानव बैठे हुए होते हैं, यानी 7 इंसान हमेशा अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा है इसरो, इसीलिए गगनयान मिशन उड़ा रहा है ताकि स्पेस का जायजा लिया जा सके और भविष्य में स्पेस स्टेशन यानी ISS जैसा ही अपना सेल्फ डिपेंडेंट स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जा सके। तो गगनयान मिशन इसलिए भेजा जा रहा है, ये चंद्रयान मिशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चंद्रयान मिशन एक प्लेनेट पे यानी पृथ्वी से मून पर जाकर लैंड किया था, ये रख गया है, और ये जो गगनयान है ना ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता ही रहेगा, ये कहीं लैंडिंग नहीं होगा। सर ये एंटी ग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में तैरेगा क्या? इसमें तो न्यूटन के नियम फॉलो होंगे कि जब तक कोई वस्तु तैर रही है वो तैरती ही रहेगी। पहला नियम यही तो कहता है, अगर कोई वस्तु तैर रही है तो जब तक उस पर ग्रेविटी ना लगे वो तैरती ही रहेगी। तो स्पेस में सर ग्रेविटी होती नहीं है और ये स्पेस स्टेशन तैरता ही रहता है। अच्छा, तो गगनयान मिशन कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो सर कब उड़ाया जाएगा? ये आने वाले अक्टूबर में ही उड़ाने वाला है। इसको 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो एयरफोर्स के पायलट होंगे और साथ में वो वैज्ञानिक भी होंगे, एस्ट्रोनॉट, 3 इंसानों को उड़ाया जाएगा इसरो के द्वारा। लेकिन डायरेक्ट इंसानों को नहीं उड़ाया जाएगा, पहले 3 मिशन उड़ाए जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहले में प्लास्टिक वाला, दूसरे में भी प्लास्टिक वाला। अगर ये 2 सक्सेसफुल होते हैं तो तीसरे में इंसानों को उड़ाया जाएगा। तो गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3 3 मिशन होने वाले हैं। तो मैंने सारा कुछ बता दिया है गगनयान मिशन के बारे में, और आपको ये तो पता ही है, लास्ट लेक्चर देखा होगा जो हमने चंद्रयान 3 के रिलेटेड बनाया था कि सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। सैटेलाइट का मतलब होता है चीजों को झांकना यानी फोटो वगैरह खींच के लाना, वही सैटेलाइट का मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का पहला मेन्ड मिशन होने वाला है। अभी तक भारत ने कोई भी मेन मिशन नहीं किया है, मशीन मिशन तो बहुत किए लेकिन इंसानों को कभी नहीं भेजा है। तो क्या सर कभी भारत अंतरिक्ष में नहीं गए? गए तो हैं लेकिन दूसरे देशों की सहायता, ये एयरफोर्स से रिलेटेड थे, एयरफोर्स के पायलट थे राकेश शर्मा यानी एस्ट्रोनॉट भी थे, साथ में साइंटिस्ट भी थे, और इनको नासा की हेल्प से भेजा गया था अंतरिक्ष में, यानी इसरो ने नासा की हेल्प से भेजा था, यानी अपने आप नहीं, बोला था कि हमारा एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में लेकर जाइए और जितना पैसा लगे हमसे ले लीजिए। तो तब हमारा एक अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गया था। एक और अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम और कल्पना चावला, ये भी भारत से ही रिलेटेड हैं, चावला। तो ये जो सुनीता विलियम और कल्पना चावला हैं, तो क्या सर ये राकेश शर्मा की तरह भारत के लिए गए थे? नहीं, ये तो नासा के लिए जॉब करते हैं दोनों, यानी इनकी डेथ हो चुकी है, ये अभी जीवित हैं, काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, ये अभी भी जाती हैं। तो ये दोनों सुनीता विलियम और कल्पना चावला ये अमेरिका के लिए जॉब करते हैं यानी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये भारत मूल के हैं यानी भारत के निवासी हैं लेकिन जॉब अमेरिका के लिए करते हैं। और भी आगे आने वाले समय में गगनयान से रिलेटेड मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ कि वहाँ खाना कैसे खाएंगे, सब कुछ कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, रहेंगे कैसे, यानी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज तो मैंने आरंभ किया है, डेली लेक्चर आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।